यार क्या गाड़ी आप देख रहे हो, एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर के लोड करके भाई, और हाइट भी काफी अच्छी है, और त्रिपाला भी नहीं आया है बिल्कुल। आप देख रहे हो एक यूनिक लुक है, यूनिक लुक भाई, यूनिक लुक है इस गाड़ी का। ओ भाई सामने से देखो, फेस से देखो कैसा व्यू आ रहा है। न्यू गाड़ी है, बिल्कुल न्यू गाड़ी, और अभी ना इस पे नंबर भी नहीं चढ़ा हुआ है, आप देख ही रहे हो। तो साइड से थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। ओ भाई क्या गाड़ी है, दिल ले लिया इस गाड़ी ने, दिल ले लिया कसम से। मतलब अभी नई गाड़ी है बिल्कुल, अभी ही सरहन से होके आए, मतलब सरहन से बन के आई है। तो अभी पहला चक्कर है जाने के लिए कश्मीर, अपना घर जाने के लिए। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। करते आप सभी को फिर से एक बार वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में, और करते आज का व्लॉग स्टार्ट अपनी न्यू 12 टेरी से। तो कल तो 14 टेरी से स्टार्ट किया था, न्यू 14 टेरी, आज तो न्यू 12 टेरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल आप देख ही रहे हो अपनी 12 टेरी कैसी लग रही है, बिल्कुल सारा व्यू आपको इसका दिखाएंगे और इसके मतलब थोड़ी सी जानकारी भी देंगे। चलो जी भाई करते स्टार्ट फिलहाल फ्रेंड से, अभी थोड़ी ना मतलब भाई ने लगा के रखी है इससे गाड़ी, तो पूरा व्यू नहीं दिखा पाऊंगा आगे से, फिर भी कोशिश करूंगा अच्छे से व्यू देखने के लिए। तो ये आप देख रहे हो ऊपर से भाई क्या गाड़ी बनी हुई है यार, दिल ले लिया इसने, दिल ले लिया, बंदूक लगा हुआ है यहाँ पे, बंदूक। क्या गाड़ी है, मस्त गाड़ी बना के रखी है भाई ने। और यहाँ पे ये जो लाइट्स है ना, ये जो लाइट्स ये काफ़ी अच्छी है, ये अगर आप भी लगाना चाहते हो तो ये बहुत ही जच रही है, होती है शाम के टाइम, रात के टाइम अगर आप लगाना चाहते हो तो ज़रूर लगा के रखना भाई, क्या गाड़ी है। तो यहाँ से पहले दिखाएंगे आपको लेफ्ट साइड से थोड़ा सा व्यू। चलो जी यहाँ से आप देखो यार क्या गाड़ी है, अभी लोड करके है, और यहाँ से भी आप देखो लोड करके, लोड करके भाई, और हाइट भी काफ़ी अच्छी है, और त्रिपाला भी नहीं आया है बिल्कुल, आप देख रहे हो। मतलब त्रिपाले में ना अभी इतना भी कीचड़ नहीं आ गया, मतलब ख़राब इतना भी है ना भाई, त्रिपाला कितना नया है और गाड़ी कितनी जच रही है, नया है ना, अभी सरहन से होके आई है, मतलब सरहन से बन के आई है, बिल्कुल एकदम ओके गाड़ी है, एकदम ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हो टायर भी नहीं है बिल्कुल, और व्हील कप भी सारे नए, और यहाँ से आप देख रहे हो भाई ने यहाँ पे भी और एक टंकी लगा के रखी है, तेल की टंकी, मतलब डीजल की टंकी, हालांकि इसमें उस साइड में भी आती है डीजल की टंकी और केमिकल की टंकी भी उस साइड में, अपनी मर्ज़ी से, मतलब ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से इस साइड में है उस साइड में भी लगा सकते, दो दो टंकियाँ, क्योंकि गाड़ी ना फिर दूर चलती है ज़्यादा, उसकी वजह से लगाना पड़ता है, मतलब बाहर ना तेल महंगा होता है इसकी वजह से, मतलब फिर हम अपनी मर्जी से डालते हैं यहाँ पे तेल 85 में, तो वहाँ फिर 100 में हो जाता है, मतलब 15 रुपये एक लीटर में ज़्यादा होता है, तो इसलिए दो दो टंकियाँ रखनी पड़ती है। तो देख ही रहे हो आप यहाँ से व्यू भाई, और यहाँ से देखो स्टेपनी भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नई गाड़ी है, क्या क्या दिल ले लिया इस गाड़ी ने। और पीछे से देखो उस्ताद जी ने कैसे सजा के रखी है गाड़ी, ओ डाले वाले कैसे बांध के, तो ये कितना मस्त लग रहा है ना भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ही पसंद आई गाड़ी कसम से यार। पीछे से व्यू आप देखो, अभी साइड से भी, इस साइड से दिखाएंगे आपको व्यू, देखो जी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते, अगर आप भी बनवाना चाहते हो ना गाड़ी तो बिल्कुल इसकी जैसी बनाना, अगर आप 12 टेरी लेने की सोच रहे हो, क्योंकि ये गाड़ी ना बहुत ही जैसी रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हो इला। तो चलो जी अब थोड़ा सा सामने होके दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया मतलब एक तो केमिकल टंकी यहाँ पे भी है और डीजल टंकी यहाँ पे भी है, मतलब दो दो डीजल टंकियाँ पाई ने लगा के रखी है। इससे क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया पहले, और तो इसमें वजन भी ज़्यादा होता है दो दो टंकियाँ लगा के। तो फिलहाल बाहर से तो आपने देख ही लिया, अब अंदर से भी थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। ज़रा बारी खोलना भाई, जड़ खिड़कियाँ यहाँ पे लगी हुई है यार, क्या गाड़ी आप देख रहे हो, एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर। त्रिपाला भी बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया है भाई ने, और टायर भी देखो, मतलब 12 टेरी और 14 टेरी से ना अलग ही प्यार आ रहा है, अलग ही प्यार, कुछ कह नहीं सकते इस गाड़ी को, कुछ कह नहीं सकते, एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर। जेट लाहौरी, जेट लाहौरी साइलेंस मेक्स द हार्ट स्ट्रॉन्गर, बेबी मेरी जान बापू नाल जहां, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात। अगर चलती हुई गाड़ी मैं आपको इसकी रील्स दिखाऊंगा ना तो बहुत ही अच्छी रील्स आएंगी इसकी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको रील्स देखने तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके फॉलो कर लेना राजा वसीम वाला को,
इस गाड़ी की और बाकी सारी गाड़ियों की जो भी यहाँ पे इस टिकरी नाके पे खड़े हैं ना, वो उनकी रील्स में आपको दूंगा बहुत ऐसी, क्योंकि बहुत सारे अपने भाई है जो कि नए गाड़ी लेके आ रहे हैं बाहर से। बस खुदा इनको सलामत रखे इनकी गाड़ियों के साथ, और हमें भी सलामत रखे और सारे अपने ड्राइवर भाइयों को सलामत रखे। तो बस यही दुआ करने, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाके फॉलो कर लेना राजा वसीम उल्लाह को और रील्स देख लेना। तो यहाँ से आप देखो, ओ भाई क्या हाल है गाड़ी का, एकदम गाड़ी है, एक नंबर गाड़ी है भाई, एक नंबर। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अंदर से भी मैटिंग डाल के रखी है भाइयों ने। और थोड़ा सा व्यू देखो यहाँ से, यहाँ पे कालीन रखा है ना, ये भी गाड़ी के जैसा है ना, जैसे शो है, इसका रंग भी यही है, तो अंदर ये इसका रंग भी यही है, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी। तो अंदर से भी एक नंबर गाड़ी है। चलो उतरते हैं नीचे, आप आपको और उस्तादों से मिलाएंगे, मतलब जो उस्ताद इसके साथ है गाड़ी के साथ, वो कहाँ बैठे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो जी, ये देखो उस्ताद जी कहाँ पे बैठे। उस्ताद जी क्या कर रहे हो वहाँ पे? बस बैठे हैं जनाब, कानवाई का इंतजार आज 10 दिनों से है, 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए कानवाई का वेट करते करते बैठे रहे। क्या करें, बाहर गर्मी है ना ज्यादा, बहुत गर्मी है, गर्मी से खत्म हो गए, यही देखो ना सर, हालत खराब, क्या हमारी हालत हो गई है, क्या समझे, कोई सुनने वाला होता ही नहीं है, हमारा सुनने वाला नहीं है, अगर किसी को बोलते है ये ड्राइवर लोग है, बैठने दो, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, क्या करे। आज अब आज ना इम्कान है कि आज हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, है ना, इंशाल्लाह। हाँ, तो उस्ताद जी कर रहे हैं, मतलब बड़े उस्ताद की ना हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मैं दिल से बोलता हूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, बिल्कुल भाई। तो गाड़ियाँ अभी बनवा के लाई है, पहला ही चक्कर है, तो सलामत रखिए आपको खुदा, हाँ, और सारे ड्राइवर भाइयों को है ना हमेशा दुआ ही करनी चाहिए, दुआ करनी, अपने अपने मुकाम पे सलामत पहुंचे, हाँ बिल्कुल भाई। तो उस्ताद जी भी दूसरा बैठा है, कर रहे हैं गपशप, चलो करो बातें। तो हम हाँ, तो गाड़ी एक नंबर कसम से, बहुत पैसे लगते हैं आजकल का, आता कुछ भी नहीं है, पैसों हाँ, पैसों का हाल है यार, पैसों का खाली, पैसे जितने होंगे तो उतना गाड़ी भी अच्छी बनती है ना, बिल्कुल सही बात है, पैसों बिल्कुल। तो बस अभी हम निकलते हैं, उस्ताद जी को करने दो रेस्ट, तो बस कुछ टाइम में ही यहाँ से आप निकलेंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।